विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग एंड जय स्वामीनारायण। धोरण 12 विषय इंग्लिश, शाळा सहजानंद विद्यालय। इंग्लिश ना लास्ट लेक्चर में अपने एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट में दो, ऑल दो, इवन दो, इवन इफ, हाउ एवर, एज, बट, यट, स्टील, आ बदा की वर्ड्स नो अभ्यास कर्यो हतो। आजे आपणे एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट ना बाकी ना बे की वर्ड्स इनस्पाइट ऑफ अने डिस्पाइट नो अभ्यास करीशु। एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट पार्ट टू, कीवर्ड्स इनस्पाइट ऑफ डिस्पाइट। विद्यार्थी मित्रों, तमारी एग्जाम में शोइंग कॉन्ट्रास्ट अथवा इंडिकेटिंग कॉन्ट्रास्ट अथवा एक्सप्रेसिंग कॉन्ट्रास्ट अथवा मेकिंग कॉन्ट्रास्ट अथवा डिस्क्राइबिंग कॉन्ट्रास्ट तेवी रीते पूछाय छे। इनस्पाइट ऑफ डिस्पाइट तेनो आपणे मीनिंग जाणीए छीए, छतां पण फरी एक वार तेना मीनिंग्स जाणी लईशुं। इनस्पाइट ऑफ इक्वल टू डिस्पाइट एटले के छतां पण, इनस्पाइट पछी ऑफ आवे छे, डिस्पाइट पछी ऑफ आवतुं नथी, इनस्पाइट पछी ओ एफ ऑफ आवे छे। विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे इनस्पाइट ऑफ के डिस्पाइट नी रचना जोईशुं। इनस्पाइट ऑफ के डिस्पाइट तेना पछी संबंधक विभक्ति नु रूप अथवा नामनु एपोस्ट्रोफीएस वाळू रूप मुकवामां आवे छे। आई तेनी संबंधक विभक्ति माय, वी तो अवर, यू तो योर, ही तो हिज, सी तो हर, ईट तो इट्स, अने धे तो धेर संबंधक विभक्तिना रूपो थाय छे। आ बे पद्धतिमांथी कोई पण एक पद्धतिनो उपयोग करवामां आवे छे। त्यार पछी नाउन एटले के नाम अथवा बीइंग अथवा मुख्य क्रियापदनु आईएनजी वाळू रूप एम त्रण पद्धतिमांथी गमे ते एक पद्धतिनो उपयोग करवामां आवे छे। नाउन एटले के नाम। विद्यार्थी मित्रों, केटलाक विशेषणो छे के जेने आपणे नाउन आवडवा जोईए। दाखला तरीके पुअर एटले गरीब विशेषण छे, तेनु नाउन पॉवर्टी एटले गरीबाई। ब्लाइंड विशेषण छे, एनो अर्थ थाय छे अंध, एनु नाउन बने छे ब्लाइंडनेस एटले आंधळापणुं। क्लेवर एटले चतुर विशेषण छे, एनु नाउन थाय छे क्लेवरनेस। रिच विशेषण छे, तेनो अर्थ थाय छे धनिक, तेनुं नाउन थाय छे रिचिस अथवा रिचनेस। केटला क्रियापदो छे के जेना नाउन थाय छे। फॉर एक्जाम्पल, टू अराइव, अराइव एटले आवी पहोंचवुं, एनुं नाउन थाय छे अराइवल, आगमन। डिपार्ट एटले उपड़वुं अथवा विदाय लेवी, एनु नाउन थाय छे डिपाचर। विद्यार्थी मित्रों, तमने विशेषण के क्रियापदना
नाम आवड़वा जोईए। त्यार पछी बीइंग पद्धति त्यार पछी बीइंग पद्धति नो उपयोग करवामां आवे छे। बीइंग पद्धति क्यारे वापरी शकाय तेनुं आपणे अगाउ विस्तृतमां माहिती मेळवीशुं। जो वाक्यमां मुख्य क्रियापद तरीके टू बी क्रियापद एम इज आर वोज के वेर आपेल होय त्यारे बीइंग पद्धतिनो उपयोग करवामां आवे छे। एटले के जे सेंटेन्समां आपणे इनस्पाइट ऑफ के डिस्पाइट वापरीए छीए ए सेंटेन्समां मुख्य क्रियापद तरीके एम इज आर वोज वेर आपेलू होय तो एम इज आर वोज वेर काढी नाखीने त्याना स्थाने बीइंग मुकवामां आवे छे। त्रीजी पद्धति छे मुख्य क्रियापदनुं आईएनजी वाळुं रूप। एटले के जे सेंटेन्समां आपणे इनस्पाइट ऑफ वापरवाना छीए तेमां मुख्य क्रियापद तरीके एम इज आर वोज वेर आपेलुं न होय पण मुख्य क्रियापद आपेलुं होय ते मुख्य क्रियापदनुं आईएनजी वाळुं रूप नो उपयोग करवो पड़े छे। दाखला तरीके सेंटेन्स मां मुख्य क्रियापद तरीके वर्क आप्यु छे तो एनु आईएनजी वाळु रूप वर्किंग थाय। रन आप्यु छे तो रनिंग थाय। आ त्रण पद्धतिमांथी गमे ते एक पद्धतिनो उपयोग कर्या पछी अन्य शब्द लखवामां आवे छे। विद्यार्थी मित्रों इन्स्पाइट ऑफ के डिस्पाइट पछी संबंधक विभक्ति रूप अथवा नामनु एपोस्ट्रोफीएस वाळु रूप वपराय छे। तो सौ प्रथम संबंधक विभक्ति रूप केवी रीते वपराय छे क्यारे वपराय छे तेनी माहिती मेळवीशुं। संबंधक विभक्ति रूप For example, one, he is clever. विद्यार्थी मित्रों मानी लो कि आ सेंटेन्स में तमारे इन्स्पाइट ऑफ के डिस्पाइट वापरवानुं छे तो केवी रीते वापरी शकाय। तो सौ प्रथम कर्ता स्थाने ही आपेलू छे जे ही ए कर्ता विभक्ति छे। इज ए मुख्य क्रियापद छे। क्लेवर ए विशेषण छे। विशेषण क्लेवर नो नाउन बने छे जे क्लेवरनेस थाय छे। इन्स्पाइट ऑफ नो उपयोग करता जो करता स्थाने कोई पण करता विभक्ति आपेली होय तो जे ते करता विभक्ति नु संबंधक विभक्ति मा रूपांतर करीने ज जवाब लखवामा आवे छे। दाखला तरीके अहिया सेंटेन्स मा करता स्थाने करता विभक्ति ही आपेलु छे माटे ही नी संबंधक विभक्ति ही थशे। जो आई होय तो माय थाय। वी होय तो अवर थाय। इस मुख्य क्रियापद छे जे सेंटेन्स मां आपणे इन्स्पाइट ऑफ के डिस्पाइट वापरवाना छीए ते सेंटेन्स मां मुख्य क्रियापद तरीके एम इज आर वॉज वेर आपेलू होय
तो एम इस आर वॉज वेर काढ़ी नाखी ने तेनी जग्याए बीइंग पद्धति नो उपयोग करवो। જ્યારે પણ બીઈંગ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીએ ત્યારે તેની પાછળ હંમેશા નામ જ, સોરી મિત્રો, હંમેશા વિશેષણ જ વપરાય છે। વિશેષણનું નાઉન વાપરી શકાતું નથી। હવે આપણે આનો જવાબ જોઈએ। ઇન્સ્પાઇટ ઓફ હિઝ, હિઝ કેમ આવ્યું છે? तो कर्ता स्थाने कर्ता विभक्ति ही आपेलू छे, माटे तेनी संबंधक विभक्ति हीज थाय छे। इस ए मुख्य क्रियापद छे, माटे इस काढ़ी नाखीने आपणे बीइंग मूकीए छीए। बीइंग मूकीए छीए एटले तरत ज क्लियर ए विशेषण छे, ए विशेषण ज लखवामां आवे छे। तेनुं नाउन विशेष, तेनुं नाउन क्लियरनेस लखवामां आवतुं नथी। एटले जवाब आवो बने छे, इनस्पाइट ऑफ हीज बीइंग क्लियर। અહીંયા ક્લેવર વિશેષણનું નાઉન ક્લેવરનેસ થાય છે, માટે આનો બીજો જવાબ પણ બને છે। ઇનસ્પાઇટ ઓફ હિઝ ક્લેવરનેસ, પ્રથમ આન્સરમાં આપણે બીઈંગ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કર્યો છે, માટે તેના પછી વિશેષણ મૂક્યું છે। જ્યારે બીજા આન્સરમાં क्लेवर नो नाउन क्लेवरनेस वापरेलू छे, ज्यारे पण विशेषण नो नाउन वापरीए छे त्यारे ते नामनी आगळ टू बी क्रियापद एम इज आर वोज वेर वापरी शकातुं नथी। ज्यारे बीइंग वापरीए त्यारे बीइंग पछी हमेशा विशेषण ज वपराय छे, विशेषण नो नाउन वपरातुं नथी। નોટ્સ છે જે આપણે ચર્ચા કરી છે તે છે, ફરીથી આપણે સમજી લઈશું। જો કર્તા સ્થાને જે કર્તા વિભક્તિ આવેલી હોય તે જ કર્તા વિભક્તિનું સંબંધક વિભક્તિનું રૂપ મૂકવામાં આવે છે, એટલે કે ઇન્સ્પાઇટ ઓફ કે ડિસ્પાઇટ પછી મૂકવામાં આવે છે। બીઈંગ પદ્ધતિ ક્યારે વપરાય? જો વાક્યમાં મુખ્ય ક્રિયાપદ તરીકે एम इज आर वॉज के वेर आवेल होय, तो एम इज आर वॉज वेर काढ़ी नाखीने तेनी जग्याए बीइंग मूकवो। બીઈંગ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરતા બીઈંગ પછી જે તે વિશેષણ જ વપરાય છે, વિશેષણનું નાઉન એટલે કે નામ વપરાતું નથી। ફોર એક્ઝામ્પલ, બીઈંગ બ્લાઇન્ડ, એ રીતે આપણે જવાબ લખી શકીએ છીએ, કારણ કે બ્લાઇન્ડ એ વિશેષણ છે। પરંતુ બીઈંગ બ્લાઇન્ડનેસ તે રીતે આપણે જવાબ લખી શકતા નથી, કારણ કે બ્લાઇન્ડનું નાઉન એ બ્લાઇન્ડનેસ થાય છે। જ્યારે આપણે નાઉન એટલે કે નામ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીએ છીએ ત્યારે જે તે વિશેષણનું નાઉન એટલે કે નામ મુકાય છે, પરંતુ તેની આગળ તે નાઉનની આગળ ટુ બી ક્રિયાપદ એમ ઇઝ આર વોઝ વેર વપરાતું નથી કે બીઈંગ પણ વપરાતું નથી। ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇન્સ્પાઇટ ઓફ હિઝ ઇઝ ક્લેવરનેસ, આવી રીતે આપણે લખી શકતા નથી, કારણ કે ક્લેવરનું નાઉન ક્લેવરનેસ થાય છે, તેની આગળ ઇઝ ક્રિયાપદ આપ્યું છે, માટે ઇન્સ્પાઇટ ઓફ હિઝ ક્લેવરનેસ આ સાચો જવાબ છે।
कारण के क्लेवर नो नाउन शू थे क्लेवरनेस तेनी आग बीइंग आपेलू नथी के मुख्य क्रियापद एमीज आर वोज वेर वपरायेलू नथी। हवे त्रीजी पद्धति विषे आपणे माहिती मेळवीशु के मुख्य क्रियापदनु आईएनजी वाळू रूप बनावीने आपणे जवाब लखवानो होय छे। फॉर एक्जाम्पल फर्स्ट ही रैंक फास्ट आ सेंटेंस में आपणे इनस्पाइट ऑफ वापरवानुं छे। कर्ता स्थाने ही आपेलू छे, ही ए कर्ता विभक्ति छे। आपेला वाक्य में मुख्य क्रियापद तरीके एम इज आर वॉज वेर आपेलू नथी, परंतु मुख्य क्रियापद तरीके रेन आप्यू छे, ए मुख्य क्रियापद छे, फास्ट ए विशेषण छे। कारण के गुजराती करिए ही रेन फास्ट ए झड़पथी दौड़ियो, तो आपेला वाक्य में मुख्य क्रिया दौड़वानी थाय छे, माटे रेन ए मुख्य क्रियापद छे। हवे आपणे इनस्पाइट ऑफ में आंसर बनाइए तो सौ प्रथम इनस्पाइट ऑफ, त्यार पछी कर्ता स्थाने कर्ता विभक्ति ही छे, माटे शू मूकीशु संबंधक विभक्ति हीज। मुख्य क्रियापद छे रेन, भूतकाळ छे, एनु मूळ रूप शू थाय रन, माटे तेनु आईएनजी वाळू रूप मूकीशु रनिंग। पछी विशेषण छे फास्ट, तेनो आंसर आ रीते थशे इनस्पाइट ऑफ हीज रनिंग फास्ट। विद्यार्थी मित्रों अहीं बीइंग के नाउन ए बे पद्धतिनो उपयोग करवामां आव्यो नथी, कारण के आ सेंटेंस में मुख्य क्रियापद तरीके एम इज आर वोज वेर आपेलू नथी, बीजू फास्ट एनु नाउन बनतु नथी, माटे मुख्य क्रियापदनु आईएनजी वाळू रूप नो उपयोग करवो पड़े छे। बीजू एक्जाम्पल आपणे जोईए, दे वर्क हार्ड, कर्ता स्थाने धे छे, धे ए कर्ता विभक्ति छे, वर्क ए मुख्य क्रियापद छे, हार्ड ए विशेषण छे। दे वर्क हार्ड तेनु गुजराती तेओ सखत परिश्रम करे छे, तो आपेला आखा सेंटेंस मां मुख्य क्रिया सखत पुरुषार्थ करवानी छे, माटे वर्क ए मुख्य क्रियापद छे। इनस्पाइट ऑफ वापरीए तो वाक्यनी शुरुआत में इनस्पाइट ऑफ कर्ता स्थाने धे आवेलू छे, धे कर्ता विभक्ति छे, माटे धे नु संबंधक विभक्ति रूप धेर मूकीशु। त्यार पछी मुख्य क्रियापद तरीके वर्क आप्यू छे, माटे वर्क नु आईएनजी वाळू रूप वर्किंग मूकीशु। त्यार पछी हार्ड मूकीशु तो आंसर आ प्रमाणे बने छे इनस्पाइट ऑफ धेर वर्किंग हार्ड। विद्यार्थी मित्रों इनस्पाइट ऑफ के डिस्पाइट नी रचना नो संपूर्णपणे हवे ख्याल आवी ज गयो हशे, तो हवे आपणे कम्प्लीट द सेंटेंस मां इनस्पाइट ऑफ के डिस्पाइट नो उपयोग करीने वाक्य बनावता शीखीशु। कम्प्लीट द सेंटेंस, इंस्ट्रक्शन एटले सूचना आ प्रमाणे ज आपेली हशे, कम्प्लीट द सेंटेन्सीस यूजिंग द फंक्शन्स गीवन इन द ब्रेकेट्स, कौंसમાં આપેલા ફંક્શન્સ નો ઉપયોગ કરીને વાક્ય પૂર્ણ કરો। એક્ઝામ્પલ નંબર 1, ડેસ હી ઇઝ ઓનેસ્ટ બ્રેકેટમાં ઇનસ્પાઇટ પૂવર, सो इन कॉन्ट्रास्ट। तमे सारी रीते समझी शको ते हेतु थी
ब्रेकेट में अहिया बे की वर्ड्स आपवामा आव्या छे। एग्जाम में मोटे भागे एक ज कीवर्ड आपवामा आवे छे। पुवर एटले गरीब थाय छे। हवे आपणे गुजराती जवाब बनावी। ते गरीब छे छता पण ते प्रामाणिक छे। ते गरीब छे छता पण ते प्रामाणिक छे। ते गरीब छे तेनो इंग्लिश शुं थाय छे? ही इज पुअर। डियर स्टूडेंट्स, तमे सारी रीते समझी शको ते माटे अहींया मैं समझूती आपी छे, जेने तमारे एग्जाम में लखवानी होती नथी, तमारे तो डायरेक्ट आंसर ज लखवानो होय छे। ते गरीब छे छता पण ते प्रामाणिक छे। ते गरीब छे ए गुजराती ने इंग्लिश शुं थाय छे? ही इज पुअर। अगाउ रचना सीखी गया छीए ते प्रमाणे अहींया कर्ता स्थाने कर्ता विभक्ति ही आपेलू छे, माटे ही नू आपणे संबंधक विभक्ति रूप करीशुं। एटले ही नू शुं करीशुं? हीज करीशुं। इज ए मुख्य क्रियापद छे, माटे बीइंग पद्धति नो उपयोग करीशुं। एटले के मुख्य क्रियापद तरीके वपरायेल इज ने दूर करी तेनी जग्याए बीइंग वापरीशुं। पुअर विशेषण छे अने पुअर नो नाउन पॉवर्टी थाय छे, माटे आ सेंटेंस ना बे आंसर बने छे। फर्स्ट आंसर, इनस्पाइट ऑफ हिज बीइंग पुअर ही इज ऑनेस्ट। बीइंग पद्धति नो उपयोग करिए त्यार पछी नाउन मुकवामां आवतुं नथी, विशेषण ज वपराय छे। बीजो आंसर, इनस्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी ही इज ऑनेस्ट। अहींया पुअर छे, पुअर नो नाउन पॉवर्टी थई, माटे अहीं नाउन पद्धति नो उपयोग कर्यो छे। हवे एक्जाम्पल नंबर टू, डेस सी लॉस्ट द रनिंग रेस, तेणीनी दौड़ स्पर्धा हारी गई, गुमावी दीधी। ब्रेकेट में इनस्पाइट रन शोइंग कॉन्ट्रास्ट, रन एटले दौड़वू। हवे गुजराती जवाब बनावी। तेणीनी झड़पथी दौड़ी छता पण तेणीनी दौड़ स्पर्धा हारी गई। तेणीनी झड़पथी दौड़ी ए गुजराती वाक्यनु इंग्लिश सी रेन फास्ट एवं थाय छे। अगौ रचना सीखी गया छे ते प्रमाणे कर्ता स्थाने कर्ता विभक्ति सी आपेलू छे, माटे इनस्पाइट ऑफ नो उपयोग करती वखते इनस्पाइट ऑफ पछी सी नी संबंध विभक्ति रूप हर मूकीशु। वाक्य में मुख्य क्रियापद तरीके रेन आप्यु छे, माटे मुख्य क्रियापद नो आईएनजी वाळू रूप रनिंग मूकीशु। तो आनो आंसर आ प्रमाणे बनशे, इनस्पाइट ऑफ हर रनिंग फास्ट सी लॉस्ट द रनिंग रेस। एक्जाम्पल नंबर थर्ड, डेश वी आर नॉट प्राउड, अमे घमंडी नथी। डिस्पाइट रिच एक्सप्रेसिंग कॉन्ट्रास्ट, रिच एटले धनी। गुजराती वाक्य बनाव, अमे धनिक छीए, अमे पैसादार छीए, छता पण अमे अभिमानी नथी। अमे धनिक छीए तेनु इंग्लिश शुं थाय? We are rich। अगाउ रचना सीखी गया छे ते प्रमाणे अहींया कर्ता स्थाने कर्ता विभक्ति वी आप्यु छे, माटे वी नु आपणे संबंधक विभक्ति नु रूप अवर करीशुं। आर ए मुख्य क्रियापद छे, माटे मुख्य क्रियापद आर काढी नाखीने तेनी स्थाने आपणे बीइंग पद्धति वापरीशुं। बीइंग पद्धति वापरता रीच विशेषण छे, तो रीच विशेषण छे तो एज विशेषण मुकवामां आवशे। रीच नो नाउन रीचनेस पण थाय छे, माटे आ सेंटेंस ना बे रीते आंसर्स बनशे। आंसर वन, डिस्पाइट अवर बीइंग रीच कॉमा वी आर नॉट प्राउड। बीजो आंसर छे,
डिस्पाइट अवर रिचनेस वी आर नॉट प्राउड। हवे एक्जाम्पल नंबर फोर्थ आपणे जोईशुं। एक्जाम्पल नंबर फोर्थ, डेश वी वेंट आउट, अमे बहार गया हता। इन स्पाइट द वेदर कोल्ड, सो इन कॉन्ट्रास्ट द वेदर कोल्ड एटले के हवामान ठंडु हतो, हवामान ठंडु हतो छता पण अमे बहार गया। हवामान ठंडु हतो त्यानो इंग्लिश शुं थाय? द वेदर वॉज कोल्ड। હવે ઇન્સ્પાઇટ ઓફ વાપરીએ તો કેવી રીતે વપરાય જવાબ તે જોઈ લો। ઇન્સ્પાઇટ ઓફ ધ કોલ્ડ વેધર, અહીંયા બીઈંગ કે મુખ્ય ક્રિયાપદનું આઈએનજી વાળું રૂપ વપરાતું નથી। ઇન્સ્પાઇટ ઓફ ધ કોલ્ડ વેધર, ઠંડુ હવામાન હોવા છતાં પણ, વી વેન્ટ આઉટ છતાં પણ અમે બહાર ગયા। માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, હવે આપણે રિસ્પોન્ડ ટુ ધ સેન્ટેન્સીસ શીખીશું। ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ યાની કે સૂચના પ્રમાણે જ આપેલી હશે। સિલેક્ટ એન્ડ રાઇટ ધ મોસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ રિસ્પોન્સીસ ફોકસિંગ ગિવન ફંક્શન્સ। એક્ઝામ્પલ નંબર વન, ડોક્ટર સેઝ વોટ ઇઝ યોર ટ્રબલ, તમારી મુશ્કેલી શું છે? પેશન્ટ સેઝ, પેશન્ટ કઈ જવાબ આપે છે, બ્રેકેટમાં સો ઇન કોન્ટ્રાસ્ટ છે। હવે આપણે બધા જાણીએ છીએ કે કોન્ટ્રાસ્ટ ફંક્શન દર્શાવવા માટે ધો, ઓલ ધો, ઇવન ધો, ઇવન ઇફ, હાઉ એવર, એઝ, બટ, યોટ, સ્ટીલ, ઇન્સ્પાઇટ ઓફ અને ડિસ્પાઇટ તેના કીવર્ડ્સ છે। ઓપ્શન્સ વાંચીશું। ઓપ્શન સી, વોટ ઇઝ યોર એડવાઇસ ફોર માય હેલ્થ સર, કોન્ટ્રાસ્ટ દર્શાવતો એક પણ કીવર્ડ આમાં આપેલો નથી। ઓપ્શન બી, યુ આર ટુ લેઝી ટુ ડુ એની વર્ક, આ ઓપ્શનમાં પણ કોન્ટ્રાસ્ટ દર્શાવતો કોઈ પણ કીવર્ડ આપેલો નથી, માટે એ અને બી એ બંને ઓપ્શન્સ આન્સરમાં લખી શકાશે નહીં। ઓપ્શન સી, હાઉ એવર આઈ ઈટ નથિંગ ઇન ધ મોર્નિંગ, માય સ્ટમક ઇઝ ઓલવેઝ હેવી। આપેલા સેન્ટેન્સમાં કીવર્ડ હાઉ એવર આપેલો છે, પરંતુ નિયમ પ્રમાણે હાઉ એવર પછી વિશેષણ આવવું જોઈએ। અહીંયા આપેલા સેન્ટેન્સમાં હાઉ એવર પછી કરતા વિભક્તિ આઈ આપેલો છે, માટે આપણો ઓપ્શન સી એ સાચો જવાબ બની શકતો નથી। ડી ઓપ્શન, ઇન્સ્પાઇટ ઓફ ઇટિંગ નથિંગ ઇન ધ મોર્નિંગ, માય સ્ટમક ઇઝ ઓલવેઝ હેવી, માટે સાચો ઓપ્શન ડી બનશે। એક્ઝામમાં પેશન્ટ સેઝ કૌંસમાં ડી અને સંપૂર્ણ સેન્ટેન્સ એટલે કે ઇન્સ્પાઇટ ઓફ ઇટિંગ નથિંગ ઇન ધ મોર્નિંગ માય સ્ટમક ઇઝ ઓલવેઝ હેવી, એ રીતે સમગ્ર પૂરા વાક્યમાં આન્સર લખવાનો રહેશે। હવે એક્ઝામ્પલ નંબર ટુ જોઈશું। જાગૃતિ સેઝ વેર ઇઝ યોર ફાધર, તારા પિતાજી ક્યાં છે? વ્રજ સેઝ, વ્રજ કઈ કહે છે? સો ઇન કોન્ટ્રાસ્ટ, ઓપ્શન્સ વાંચીશું। ઓપ્શન ઇન્સ્પાઇટ ઓફ બીઈંગ ઇલ હી હેઝ ગોન ટુ ધ જોબ, ઇન્સ્પાઇટ પછી ઓ એફ આવે, અહીંયા ઓ ડબલ એફ આપેલું છે, માટે ઓપ્શન એ આપણો આન્સર બની શકતો નથી। બી, ડિસ્પાઇટ ઓફ બીંગ ઇલ હી હેઝ ગોન ટુ ધ જોબ,
આપણે જાણીએ છીએ કે ઇન્સ્પાઇટ પછી ઓફ આવે છે, ડિસ્પાઇટ પછી ઓફ આવતું નથી. અહીંયા ડિસ્પાઇટ પછી ઓફ આપેલું છે, માટે ઓપ્શન બી પણ આપણો સાચો આન્સર બની શકતો નથી. ઓપ્શન સી, ઇન્સ્પાઇટ ઓફ બીઈંગ ઇલનેસ હી હેઝ ગોન ટુ ધ જોબ. બીઈંગ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કર્યા પછી ક્યારે પણ નાઉન વપરાતું નથી, પરંતુ વિશેષણ જ આવવું જોઈએ. અહીંયા ઇલનું ઇલનેસ એ નાઉન છે, માટે ઓપ્શન સી એ પણ આપણો આન્સર બની શકતો નથી. ઓપ્શન ડી, ઇન્સ્પાઇટ ઓફ બીઈંગ ઇલ હી હેઝ ગોન ટુ ધ જોબ. ઇન્સ્પાઇટ પછી ઓફ છે, પછી બીઈંગ છે, પછી વિશેષણ છે. સેન્ટેન્સ પેટર્ન પ્રમાણે સંપૂર્ણ રીતે વાક્ય સાચું છે, માટે આપણો સાચો ઓપ્શન ડી બનશે.